एक गांव में कुआं बन रहा था, गांव में कुआं, सभी लोग इकट्ठे हुए, सबने सहयोग दिया। एक आदमी आया, आंखों में आंसू भरे, आधी ईंट का टुकड़ा लिए, मेरी भी श्रद्धा है, मेरी भी आधी ईंट लगा दो कुएं। लोगों ने कहा इतने दीनता से, लगा आधी ईंट लगवा दी, टुकड़ा आधी ईंट का, कुआं बन गया, बनकर तैयार। एक घाट पर कब्जा किए, गांव भर भरे तीन घाट से, हम तो एक घाट से भरे। और कोई कहेगा तो हमारा लगा नहीं है क्या, हमने भी दिया है, पंचायत हो जाए। और पंचायत हो गई, पंचों ने कहा क्या लगा है तुम्हारा जो तुम एक घाट पर कब्जा किए हो। दूसरे गांव के लोग भी आए और सबने कहा एक घाट पर कब्जा किए हो क्या लगा है। तो कहने लगा कि मैं सौगंध से कह रहा हूं, इस कुएं में आधी ईंट हमारी लगी है, आधी ईंट। पंच बोले जब आधी ईंट लगी है तो एक घाट पर क्या, दो घाट पर कब्जा करो जाओ। लक्ष्मण जी बोले ऐसे ही सुग्रीव जी कह रहे मास दिवस, महीना भर भी अर्थ है और 12 दिन भी अर्थ है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम शांत रहो, उस बिचारे की बात सुनने दो हमें, तुम बीच बीच में ऐसे मत कर। फिर क्या हुआ, बड़ी भयंकर रक्त की धारा निकली, मुझे लगा कि बाली को मार दिया, मुझे मारेगा। मैं प्राण बचाकर भाग के आया और दरवाजे पे एक शिला लगाया। लक्ष्मण जी हंसे, वाह भाई के प्रति कितना प्रेम। शिला और दरवाजे पे लगा दी कि बच्चा भी हो तो ना निकल पावे। सुग्रीव जी बोले कि हम लौट कर आए तो मंत्रणपुर देखा बिनु साई, मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य देखा तो हमको जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। हमारी इच्छा नहीं थी पर लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, जबरदस्ती जबरदस्ती। लक्ष्मण जी फिर हंसे, भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो। कहा हमें सुग्रीव जी के बयान पर हंसी आ रही है, ये कह रहे हमारी तो इच्छा थी नहीं पर लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया। भगवान ने कहा हो सकता है बिठा दिया हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कैसी बात करते हैं, ये जितने सत्ता लोलुप हैं ऐसे ही बोलते हैं, हमारी तो इच्छा नहीं अब लोगों ने बिठा दिया, जन आदेश, सबकी बात कैसे मना करें, सबने बिठा दिया जबरदस्ती, हमारी तो इच्छा थी नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हो भी सकता है कि मजबूरी में बिठा दिया हो, जबरदस्ती लोगों ने बिठा दिया हो। श्री लक्ष्मण जी बोले प्रभु कैसी बात करते हैं, अगर कोई किसी को जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाता तो भरत जी को न बिठा दिया सिंहासन पर, अयोध्या की पूरी प्रजा लगी रही पर भरत जी को सिंहासन पर नहीं बिठा सके। भगवान मौन हो गए और उन्होंने कहा भयउ न भुवन भरत सम भाई।